आज के वचन की शुरुआत करते हैं। हालेलुया, हम पढ़ते हैं मत्ती 8 उसका 1-3। हालेलुया, पढ़िए बहन। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चल पड़ा, और देखो एक कोढ़ी उसके पास आया और दंडवत करके उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया, जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, यीशु चाहता है कि आप शुद्ध हो जाएं, यीशु चाहता है कि आप सुख पाएं, यीशु चाहता है कि आप आनंद में रहें, यीशु चाहता है कि आपकी शांति, यीशु की शांति आप में बनी रहे। हालेलुया, यीशु यही चाहता है। क्या हुआ था यहां पर? ये कोढ़ी, अगर आप 2000 साल पहले जाएंगे तो कोढ़ियों की दशा बहुत बुरी होती थी, बहुत बुरी। एक ऐसी रीति रिवाज थी, एक ऐसा बंधन था कि उन दिनों में कोढ़ियों को शहर की सीमा से बाहर निकाल देते थे। वो एक काला कंबल ओढ़ते थे, अपने शरीर का कोढ़ दिखा नहीं सकते थे वो। प्रेज द लॉर्ड, एक ऐसी परंपरा थी और शहर की सीमा से बाहर रहते थे। उसका घर का कोई भी आदमी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके भाई, उसकी बहन उसके मिल नहीं सकते थे, उसको दूर रहना है। हालेलुया, अगर वो कहीं जा रहा है और कुछ लोग आ रहे हैं तो वो अशुद्ध अशुद्ध बोल के चिल्लाता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, ताकि आप लोग जाने कि मैं अशुद्ध हूं। प्रेज द लॉर्ड, उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते थे क्योंकि कोढ़ था। जिसको कोढ़ था वो समझते थे कि इसको, इसने बहुत बड़ा पाप किया है, ये दूर है, इस बीमारी की वजह से हम इसे बात नहीं करेंगे। तो वो जो कोढ़ी था वो शहर की सीमा से बाहर रहता था, अपने पति अपने बच्चों से दूर रहता था, अपनी माँ का प्यार से दूर रहता था, अपने पिता के प्यार से दूर रहता था, उसका मन अशुद्ध हो गया था। प्रेज द लॉर्ड, जितना उस बीमारी ने उसको दुख नहीं दिया था उतना समाज की परंपरा ने उसको दुख दिया था। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर परंपराओं को तोड़ने के लिए भेजा। ये जो समाज की परंपराएं हैं ये हमें दुखित करती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आजाद करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस कोढ़ी की दशा बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। उसकी बीवी उसको खाना फेंक के देती थी, बचा हुआ खाना, उसको अच्छा खाना नहीं मिलता था, उसको बचा हुआ खाना मिलता था, समय से नहीं मिलता था। जब सब लोग खा जाते थे जो खाना बचता था वो उसको फेंक के दिया जाता था, और वो फेंक के ही उस थाली को रखता था ताकि थाली को वो छुए ना। हालेलुया, आप सोचिए आपके अपने आप से दूर हो जाएं, आपके अपने आप से घृणा करने लगे, आपका मन कैसे अशुद्ध हो जाएगा? प्रेज द लॉर्ड, क्या आप जी पाएंगे? नहीं। आपके पास क्या है इस समय? प्यार की आशा। आपके पास क्या है वो साहस? क्या आपका पिता आपके पास है? आपकी पत्नी आपके पास है? आपका 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 प्रभु आपके पास है? उसके पास कोई आशा नहीं थी, वो मरने के लिए जी रहा था, बस मुझे कब मौत आए। और अगर बाइबल पढ़ेंगे आप मत्ती 5-7, ये तीनों जो उपदेश हैं, ये जो तीनों अध्याय हैं, ये पहाड़ी उपदेश के नाम से जाने जाते हैं, और मैं इसको कलीसिया के रूप में देखता हूं। हालेलुया, अगर हम मत्ती 5:1 पढ़ेंगे, पढ़िए मेरी बहन, तो आपको मैं आपको कलीसिया दिखेगी, परमेश्वर कलीसिया से बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 5:1, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। वो इस भीड़ को देखकर कहां चढ़ गया? पहाड़ पर चढ़ गया। आगे, और जब बैठ गया और उसके चेले उसके पास आए। जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उसे उपदेश देने लगा। और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया कौन है? यीशु की देह। प्रेज द लॉर्ड। इस देह का सिर कौन है? यीशु मसीह। कौन है इसका सिर? यीशु
कौन है इसका सिर? हम कौन है? उसके देह है, हम उसके अंग हैं। कलीसिया क्या है? उसकी देह। हम कौन है? उसके अंग हैं। हालेलुया। तो सोचिए, आप ध्यान दीजिए उस दर्शन को कि यीशु मसीह जो सिर है वो पहाड़ पर बैठा हुआ है और उसकी देह उसके नीचे है। हालेलुया। वो अपनी देह को देख रहा है, वो अपने अंगों को देख रहा है। अगर आप देखेंगे, आप ध्यान से देखिए, मुझे इस वचन में, मुझे इस उपदेश में, मुझे इस मती में कलीसिया दिखती है। कि हम उस कलीसिया को देख रहे हैं, यीशु कलीसिया को देख रहा है और उपदेश दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या उपदेश दे रहा है? धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। धन्य है जो नम्र है, क्योंकि वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। अगर 5, 6, और 7 का अध्याय हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि इस पूरे अध्याय में जो जो परमेश्वर ने, जो जो यीशु मसीह ने उपदेश दिए हैं, वो सब मन की शुद्धता से रिलेटेड हैं। हालेलुया। इन तीनों अध्याय में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप बीमार होंगे या आपके शरीर का कोई भी अंग बीमार होगा तो आप अशुद्ध होंगे। कहीं नहीं लिखा हुआ है ये, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपका अंग अशुद्ध होगा तो आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है? कि धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये जो कोढ़ी था, इसका मन अशुद्ध था। अगर आप वचन की शुरुआत हम पढ़ेंगे, 8वें का बिगनिंग दोबारा पढ़िए, मती का 8 का बिगनिंग दोबारा पढ़िए जल्दी से। हालेलुया। जब वो उस पहाड़ से उतरा, कौन उतरा उस पहाड़ से? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह उपदेश दे चुका, जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उपदेश दे चुका, तो वो पहाड़ से उतरा। हालेलुया। तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, तो एक विशाल जनसमूह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। वो विशाल जनसमूह जिसको इसने चंगा किया था, मती 4 में अगर देखेंगे उसके अंतिम भाग में, तो इसने सबको चंगा किया था, और चंगा करने के बाद वो पहाड़ पर गया और उसने उपदेश दिया। लेकिन ये कोढ़ी उस भीड़ के पीछे था, उस भीड़ के पीछे था। ये जो कोढ़ी था, ये चंगा होने के लिए नहीं गया, ये चंगा होने के लिए नहीं गया, इसके पास कोढ़ था, ये नहीं गया। अब देखिए, जब यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो एक विशाल जनसमूह यीशु मसीह के पीछे पीछे चला। हालेलुया। तब क्या हुआ? और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। ये पहली बार था जो एक कोढ़ी किसी के पास आ रहा है। ये पहली बार था। कोढ़ी किसी के पास नहीं आ सकता था। परमेश्वर के वचनों को सुनकर, यीशु मसीह को जानकर, प्रभु का रूप देखकर, उसके उपदेशों को सुनकर उसकी हिम्मत हुई कि मैं इसके पास आऊं। ये पहला था कि एक कोढ़ी उसके पास आया। हालेलुया। आगे और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखिए, वो अपने मन की शुद्धता मांग रहा है। मैं यहां समझता हूं कि वो कोढ़ी नहीं चाहता है कि मेरा शरीर चंगा हो, लेकिन मेरा मन चंगा कर दू, क्योंकि स्वर्ग कौन जाएगा? जिसका मन चंगा होगा। प्रभु को कौन देखेगा? जिसका मन शुद्ध होगा। हालेलुया। स्वर्ग का अधिकारी कौन होगा? जो मन का दीन होगा। पृथ्वी का अधिकारी कौन होगा? जो नम्र होगा मन से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कोढ़ी जान चुका था, वो पीछे खड़ा हुआ उपदेश सुन रहा था, लेकिन नहीं आया चंगाई के लिए, क्योंकि उस कोढ़ ने उसके मन को अशुद्ध कर दिया था। उस कोढ़ की वजह से वो जान गया था कि मेरा कोई नहीं है। मेरी बीवी जो परंपरा में बंधी हुई है, मेरे बच्चे जो परंपरा में बंधे हुए हैं, मेरा पिता, मेरी माँ जिससे जन्म दिया, वो परंपरा में बंधी हुई है। कोई नहीं है जो आकर मुझे छुए, क्योंकि परंपरा है कि कोढ़ी को हम छू नहीं सकते। हालेलुया। उस परंपरा ने, समाज की परंपरा ने उस कोढ़ी के मन को अशुद्ध कर दिया था। इसलिए कोढ़ी कहता है, अगर तू चाहे, तू तो प्रभु है,
तू तो दाता है, तू तो रचयिता है, तू कुछ भी कर सकता है, तेरे पास अनमोल वचन है, तू जीवन दाता है। अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, क्योंकि मुझे संसार ने अशुद्ध कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, जिस दिन आप मन की शुद्धता की कीमत जान लेंगे, उस दिन आप तन के लिए नहीं मन के लिए जिएंगे। हम अपने तन के सुख के लिए जीते हैं और अपने मन को हम एक साइड में कर देते हैं। हम मन की नहीं सुनते, हम तन के लिए। ये कैसी शर्ट है, ये कैसी पैंट है, ये कैसी लिपस्टिक है, ये कैसे बाल हैं, तन की नहीं। मन की शुद्धता आपकी दीनता लेकर आती है, मन की शुद्धता आपकी नम्रता लेकर आती है, मन की शुद्धता यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को समर्पण के संग आती है। प्रेज द लॉर्ड। आपका मन शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है मेरे भाई, तो कुछ नहीं है। इसलिए वो कोढ़ी कहता है, हे प्रभु, मैं तेरे करीब आया हूं, मैंने तेरे करीब आने का साहस किया है, क्योंकि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। मैं शुद्ध होना चाहता हूं क्योंकि मैं प्रभु को देखना चाहता हूं। मैं शुद्ध होना चाहता हूं क्योंकि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। मैं शुद्ध होना चाहता हूं ताकि तेरे उपदेश मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन में काम करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया क्यों बनाई है? कलीसिया परमेश्वर ने क्यों बनाई है? कलीसिया इसलिए बनाई है ताकि हम मन की शुद्धता को इस कलीसिया में पाएं। इस कलीसिया में क्या होता है? परमेश्वर ने कलीसिया क्यों बनाई है? क्योंकि कलीसिया आपके पापों से आपको अलग करता है। आप समझते हैं जब कलीसिया आते हैं और आप इच्छाएं लेकर आते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे धंधा मिल जाए, मेरी आज बीमारी ये है, मेरा सर का दर्द है, मेरे गले का दर्द है, मेरा ट्यूमर है, मुझे बवासीर है, मुझे ये है, आप इसके लिए आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो बीमारी क्यों है आपके अंदर? क्योंकि पाप है। पाप की वजह से आपके अंदर बीमारी है। अगर आपके अंदर पाप नहीं, बीमारी नहीं है। यस, आप जब स्वर्ग में जाएंगे तो आप शुद्ध होंगे, वहां बीमारी होगी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या करने के लिए आया है? बीमारों को, पापियों को चंगा करने के लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड। इसी का 9 देखेंगे हम, अध्याय 9, मती 9, पहला और दूसरा देखिए। यीशु मसीह एक घर में बैठा हुआ उपदेश दे रहा था और वहां पर एक लकवे का मरीज आता है। देखिए वो क्या कहता, ध्यान से सुनिए। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर, देखो कई लोग एक लाए। कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। लकवे के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए, और यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उस भोले भाले लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। वो कैसे आया था? वो कौन था? क्या बीमारी थी उसके अंदर? लकवे का बीमारी। यीशु मसीह ने बोला तेरा लकवा चंगा हो जाए? नहीं। क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हो जाए। यानी कि लकवा किसकी वजह से था उसके अंदर? पाप की वजह से था। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया आपको शुद्ध करना चाहती है। कलीसिया बनी है आपकी शुद्धता के लिए, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर शुद्धता आएगी, आपके रोग आपसे दूर हो जाएंगे, पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे मेरे भाई। लेकिन उस शुद्धता को अपने अंदर आप जब लाएंगे, जब आप काम करने देंगे। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर फारसी थे, फारसियों ने उसको प्रॉब्लम दी। बोलिए, पढ़िए 3, 14, 5। उस पर कई शास्त्रों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों रखते हो?
सहज क्या है, सहज क्या है ये कहना, तेरे पाप सरल क्या है। यीशु मसीह ने उनकी बात जानकर क्या कहा, सरल क्या है, मैं क्या कहूं कि तेरे पाप क्षमा हो गए या भैया तू चंगा हो जा, जा बोल। सहज क्या है यह कहना, तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना, उठ और चल फिर। हाँ, क्या है सरल कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना कि उठ चल। लकवे का मरीज था ना, टांगों में लकवा था ना, चल नहीं सकता था ना, खाट पे आया था ना, चार लोग उसे लेकर आए थे ना, वो चल नहीं सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सोचिए बहन, आज आप सोचिए अपने बारे में, अगर आप मन से अपाहिज हैं तो अपने मन को कलीसिया में रखिए स्थिर। आप सोचिए आप कैसे अपनी जिंदगी को उठा रहे हैं, कौन सा लकवा है आपकी जिंदगी में जिसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे हैं, कौन सा ऐसी बीमारी है, कौन सा ऐसा पाप है। यीशु मसीह ने क्या क्या सरल है बताइए फारसी भैया, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि चल उठ अब तो चंगा हो गया जा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप शरीर की चंगाई मांगेंगे मेरी बहन और आप उस पाप को अंदर से दूर नहीं करेंगे तो वह बीमारी फिर आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वह बीमारी फिर आ जाएगी। इसलिए लोग आते हैं कलीसिया में, रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, घर जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। यीशु कहता है कि आप अगर पूरी तरीके से अपने चंगाई को चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, जड़ से चाहते हैं ना, जड़ से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मान लीजिए आपकी किडनी खराब है, आपकी किडनी खराब है, आपकी किडनी खराबी की वजह से आपके पैर सूज रहे हैं। डॉक्टर ने कहा आपके पैर सूजे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ओहो किडनी खराब है आपकी, तो डॉक्टर क्या आपके पैर के सूजन की गोली देगा या किडनी की देगा? अगर सूजन की गोली देता है कि सूजन ठीक हो जाए तो फिर आ जाएगी सूजन। लेकिन अगर किडनी पूरी तरीके से चंगी हो जाएगी तो आपकी सूजन भी नहीं आएगी। हालेलुया। Praise the Lord। प्रभु पूरी तरीके से आपको चंगा करना चाहता है। आप प्रभु चाहता है कि आपके अंदर से पूरी तरीके से पाप निकल जाए, ताकि ना पाप अंदर आए ना आपकी दुष्ट आत्माएं अंदर आए। Praise the Lord। कलीसिया पाप को निकालता है, लेकिन कैसे निकालता है, आइए हम पढ़ते हैं सबोपदेशक पांच का एक। कलीसिया में हमें कैसे रहना चाहिए, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप निरंतर प्रभु में बने रहेंगे, कलीसिया के साथ रहेंगे और वचन आपके अंदर रहेंगे, आप मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई बीमारी कोई भी दुख आपके अंदर नहीं आएगा, कोई मुसीबत नहीं आएगी। मैं चैलेंज करता हूं, मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, यीशु मसीह कोई धर्म की बात नहीं कर रहा है, यीशु मसीह कोई धर्म लेकर नहीं आया है। पाप हर जगह है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो। प्रेज द लॉर्ड। हर आदमी बीमार है। बाइबल हमें बताती है कि बीमारी का आधार क्या है। गंदी आदत अगर आपके अंदर है उसका आधार क्या है। आपके अंदर शराब की आदत है, क्या आधार है? पाप। आपके अंदर लालच है, क्या आधार है? पाप। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल आपको बताती है पाप हमारे जीवन से निकलना चाहिए, यही परमेश्वर चाहता है। क्योंकि अगर पाप आपके अंदर से नहीं निकला तो आप पूरी तरीके से यीशु मसीह को नहीं पा पाएंगे, आपका कलीसिया आने का कोई मतलब नहीं है। कलीसिया आपको बताता है कि यीशु मसीह आपको कैसे मिल सकता है, परमेश्वर आपको कैसे मिल सकता है, जब आप
उस पाप को अपने अंदर से निकाल देंगे, जब वो पाप आपके अंदर से निकल जाएगा परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि प्रभु कहता है पहला कुरिन्थियों 3:16 कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और पवित्र आत्मा उसमें वास करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप नहीं जानते आपके अंदर क्या क्या सामर्थ है, आप नहीं जानते कि आपके अंदर सामर्थ क्या क्या है। सब उपदेशक 5:1 निकालिए, हम आपको बताते हैं कलीसिया में आपको कैसे रहना है। पहले इसको सीखिए, उसके बाद आपको मैं 2 कुरिन्थियों 10:4-5 बताऊंगा। हालेलुया। जब तू परमेश्वर के भवन में आ जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में आए, तब सावधानी से चलना, सावधानी से चलना, सुनने के लिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट समझा करो। जब तू परमेश्वर के भवन में आए तब, देखिए जब और तब को समझना बहुत जरूरी है। तू कैसे जा रहा है परमेश्वर के भवन में, किस मन से जा रहा है? जब तू परमेश्वर के भवन में आए, जब भी, जब तू परमेश्वर के भवन में आए सावधानी से चलना। यहां पर सर्वेश, यहां पर सिर्फ शरीर की चाल नहीं बताई गई है, आपको सावधानी शरीर की चाल में नहीं बरतनी है, आपको सावधानी अपने मन की चाल में रखनी है। आप किस मन से आते हैं, आप क्या मन लेकर आते हैं, आपने कलीसिया आने से पहले अपने आप को तैयार किया है कि नहीं किया है? प्रेज द लॉर्ड। जिस तरीके से कलीसिया आने से पहले आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने तैयार करते हैं कि हम कलीसिया जा रहे हैं, साड़ी पहनते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो अपना पहनता है ताकि हम कलीसिया जा रहे हैं, क्या आप अपने मन को तैयार करते हैं? क्योंकि कलीसिया में शुद्धता मन की होने वाली है, शरीर की नहीं। हम लिपस्टिक लगा के बालियां वालियां डाल के बालूल करके आ जाते हैं साहब कलीसिया में, उसका कोई मतलब ही नहीं है। कलीसिया में तो आपका मन संवारा जाएगा। यहां पर डॉक्टर जो है वो मन को करता है, संवारता है, शरीर को नहीं। संसार में आप शरीर लेके जाइए लेकिन कलीसिया में मन लेकर आइए। क्योंकि अगर आप मन लेकर नहीं आएंगे भाई तो आप उस शुद्धता को समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब तू कलीसिया में आए तो सावधानी बरत। कैसी सावधानी बेटा? सुनने के लिए समीप जाना, सावधानी से चलना और सुनने के लिए समीप जाना। किसके समीप जाना? अपने पड़ोसी के नहीं, नहीं, परमेश्वर के। परमेश्वर के वचन के। विश्वास किससे आता है? सुनने से। और सुनना किससे होता है? परमेश्वर के वचन से। रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है सुनने के लिए करीब जाना। आप कब करीब जाएंगे? जब आप संसार को अपने कानों से निकाल देंगे, जब आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु के लिए होंगे। आप कुछ नहीं सुनना चाहते, सिर्फ प्रभु को सुनना चाहता है। आप कुछ नहीं चाहते कि नहीं नहीं मेरे कान सिर्फ मुझे प्रभु के वचन को सुनना है, प्रभु का वचन क्या कह रहा है, तभी वो आपके अंदर शुद्धता आएगी, तभी वो वचन आपके जीवन में काम करेंगे। हम लोग कई बार पिकनिक बनाने के लिए चर्च में आए थे, चलो यार आज टाइम बहुत है चर्च चलते हैं आराम से, स्तुति आराधना हो गई, आधे वचन भी हो गए, ठक 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 अंदर आ गए। हालेलुया। ना आप कुछ समझे, ना वचन ने आपके जीवन में काम किया, नहीं होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, वचन कहता है कि सावधानी से आइए, मन को तैयार करिए और सुनने के लिए समीप आइए, तभी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार शुद्ध हो पाएंगे। आगे क्या है? 10:17 हाँ, समीप आइए। प्रेज द लॉर्ड। हमें जब प्रभु के क्यों परमेश्वर चाहता है कि समीप आइए, क्यों परमेश्वर चाहता है कि वचन सुन, क्यों परमेश्वर चाहता है कि तेरा मन शुद्ध हो जाए,
देखिए आप परमेश्वर की योजनाओं को समझिए। ये कलीसिया परमेश्वर ने यूं ही नहीं बनाया है, अपनी देह कलीसिया को परमेश्वर ने यूं ही नहीं दी है, उसका कोई मकसद है, उस मकसद को समझिए मेरी बहन। इसलिए वो कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम, और चुना है चुनकर नियुक्त किया ताकि तुम भला और फलवंत हो जाओ। भजन संहिता 119 का 73वां वचन क्या कहता है कि तेरे हाथों ने मुझे संवारा और तेरे हाथों ने मुझे रचा है। हालेलुया, तेरे हाथों ने मुझे संवारा है, तेरे हाथों ने मुझे रचा है। कौन है ये हाथ? कलीसिया। कौन है ये हाथ? आप कलीसिया में संवारे जाते हैं। मैं कहां संवारा गया? मैं बॉलीवुड में था। झूठ बोलता था, धोखा देता था, शराब पीता था। कहां गया? कलीसिया में आया। और जब मैं कलीसिया जाता था, जिस दिन मुझे समझ आ गई वचन की, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शन होती थी, नो डोंट टॉक टू मी, इस एक डेढ़ घंटा मुझसे बात मत करना, किसी का फोन आए, बवंडर आए, तूफान आए, कोई मर गया आए, मुझे बताना ही मत, डेढ़ घंटा सिर्फ मुझे प्रभु में रहने दो। मेरा बच्चा अलग अलग रहो, डेढ़ घंटा मुझसे बात मत करो, क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में नहीं काम करेगा तो मेरे परिवार के जीवन में कैसे काम करेगा? नहीं करेगा। अगर परमेश्वर का वचन एक परिवार में आ जाता है, क्यों लिखते हैं, परमेश्वर क्यों कहता है कि धर्मी का परिवार उद्धार पाएगा, हालेलुया, घराना उद्धार पाएगा, उसकी उम्मीद ज्यादा है, धर्मी के परिवार की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि एक धर्मी बन चुका है, दूसरा धर्मी परमेश्वर बना सकता है, क्योंकि आप संगति में, आप उस संगत, तेरे पति की उम्मीद ज्यादा है कि वो धर्मी बन जाए बनस्पत तेरे पड़ोसी की, क्योंकि तेरा व्यवहार, तेरा चाल चलन, तेरी संगति, तेरा बाइबल पढ़ना, वचन के अनुसार रहना तेरे पति पे इफेक्ट करेगा। हालेलुया, इसीलिए धर्मी का घराना उद्धार पाएगा। इसलिए वचन की जब बात आए, पूरी ईमानदारी के संग उस वचन को सुनिए। मुझे भी पहले समझ नहीं आता था, आप में से कई भाई बहन सो जाते हैं, मैं भी सोता था, नींद आती थी, फिर मैं रुमाल लेके जाने लगा और पानी से डूबा हुआ रुमाल, जैसी नींद आती थी रुमाल अपने आंखों से पोंछता था, रुमाल मुझे नींद ना आए, और परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे नींद नींद ना आए, मैं वचन सुनना चाहता हूं। आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर देगा। हम क्या मांगते हैं? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। हम इस वचन को समझते हैं कि हमें पैसा मांगना है, हमें नौकरी मांगनी है, हमें धन मांगना है, अपना घर मांगना है, बंगला मांगना है, नहीं, इन सबसे ऊपर है परमेश्वर का आशीष, इन सबसे ऊपर है परमेश्वर का वचन, इन सबसे ऊपर है परमेश्वर के वचन की समझ। अगर वो परमेश्वर का ज्ञान आपके जीवन में आ जाए, अगर परमेश्वर का ज्ञान आपको मिल जाए मेरे भाई, तो आप संसार के सबसे अमीर इंसान है, सबसे अमीर इंसान है। आप जानते नहीं आप कौन है, मैं आज आपको बताऊंगा। आप कलीसिया में आते हैं, हमको चंगाई मिलती है, और चंगाई मिलती है हम कलीसिया आना बंद कर देते हैं, चाहे शरीर की चंगाई हो, नौकरी लग गई, कलीसिया आना बंद। हमारे कलीसिया में एक बहन आती थी उधर शुक्रवार में, 16 साल से उसको बच्चा नहीं हुआ था, क्या नाम था उसका? अंजलि। भटक रही थी, 16 साल से उसको बच्चा नहीं हुआ था, परमेश्वर की कृपा से हमारे कलीसिया में आई, हमने प्रार्थना की, 16 साल में उसको बच्चा हुआ। जब तक बच्चा नहीं हुआ था आती थी, बच्चा हुआ घर में बैठ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहन थी उधर आती थी, 11 साल के बाद उसका बच्चा हुआ था, बच्चा नहीं हुआ आ रही थी,
बच्चा हो गया, घर में बैठ गई। अरे आप किसके लिए आए हो? उस चिन्ह को देखकर आपकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं कि जो 16 साल के बाद आपको बच्चा दे सकता है वो यीशु कौन है? अरे उसकी उसको देखकर तो आपको रुकना नहीं चाहिए, चाहे तूफान हो चाहे आंधी हो। यहां पर एक परिवार आता था, कौन सा तुम्हारा कौन सा पढ़ा, कहां तू रहने गई अभी? कारगिल से एक परिवार आता था, सिंह साहब, हालेलुया। डॉक्टर्स ने बोल दिया उनका उनकी बेटी, ये उनका गवाही है, मेरी गवाही नहीं है। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि उनकी बेटी के बच्चा मरा हुआ है, ऑपरेशन थिएटर में है वो। उसके लड़के ने सिंह साहब को फोन किया, उसके दामाद को बोला नहीं पास्टर से प्रार्थना करवाओ, ऑपरेशन थिएटर में। उसने कहा मैं हम पास्टर से प्रार्थना करवाएंगे तब आप ऑपरेशन करिए, आप कह रहे हैं बच्चा मर गया है। डॉक्टर से कहा अरे ऑपरेशन की, अरे जो औरत है उसकी जान खतरे में हो जाएगी अगर ज़्यादा हमने लेट किया, बच्चा मर गया है कि नहीं साहब? उसने कहा नहीं नहीं मुझे प्रार्थना करानी यीशु मसीह के नाम से। मुझे फ़ोन किया और यीशु मसीह के नाम से मैंने उसके कान पे प्रार्थना की, हालेलुया। डॉक्टर अचंभे में रह गए, वो बच्चा जिंदा पैदा हुआ, वो बच्चा जिंदा पैदा हुआ। लेकिन क्या हुआ? घर में बैठ गए, वो बच्चे को खिला रहे हैं। अरे हट, इतना बड़ा चमत्कार और आप घर में बैठे। मती 11:21-22 निकालिए। यीशु मसीह ने पूरी बाइबल में हर एक को आशीष दिया है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें सुख मिले, अपना प्रेम बांटा है। यीशु मसीह ने हर एक को अपना प्रेम दिया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा पहली बार जब यीशु मसीह ने किसी को हाय दी है। मती 11:21-22 पढ़िए। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, ये देश के नाम है, ये इलाकों के नाम है। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए। जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि तुम्हारे सामने किए गए, हाँ, यदि वे सूर और सैदा के लिए जाते, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो ताट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब में मन फिरा लेते? तो वे ताट ओढ़कर राख में बैठकर कब का मन फिरा चुके होते। लेकिन हाय बैतसदा, यीशु कह रहा है किसको? ए शहर, बैतसदा तुझ पर हाय। याद है क्या हुआ था बैतसदा में? 5,000 लोगों को खाना खिलाया गया था, 12,000 लोगों को आसमानी रोटी दी गई थी, कई चमत्कार हुए, लेकिन उनका मन नहीं बदला, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, वो यीशु मसीह के लिए नहीं आए। आज वचन कहता है हाय उन पर जिनको चंगाई मिलती है और घर में जाके बैठ जाते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, मुझे माफ करना, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। आप उस परमेश्वर को जानने के बाद, उसे पाने के बाद इतनी आसानी से खो देते हैं। इतनी मूल्यवान चीज स्वर्ग हमें मिला है, हम पापों से मुक्त हो गए हैं, हमारा जीवन अनंत काल के लिए शुद्ध हो चुका है। क्यों? क्यों? क्योंकि कलीसिया में आपसे कुछ लिया नहीं जाता, एंट्री फीस नहीं ली जाती। आप नहीं आते हैं, हम फोन करते हैं भैया क्यों नहीं आए? आप समझते हैं पास्टर को कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा, कुछ तो मिलता होगा पैसा। आज भी हमारे कलीसिया में लोग 5 का और 2 का सिक्का डालते हैं हमारे ऑफरिंग में, प्रभु को 2 का सिक्का डालते हैं। पान भी 2 रुपए का नहीं मिलता है, चाय भी 2 रुपए की नहीं मिलती है, हमने प्रभु को इतना सस्ता कर दिया है।
जो कहीं ना चले ऑफरिंग में डाल दो। कैसा मान देते हम प्रभु को, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया और हम अपनी गई गुजरी चीज जो कहीं नहीं चल रही है, खोटा सिक्का है। आपको मैं दिखाऊं, मैं आप बहुत दुख होता है, फटे पटे नोट आते हैं कलीसिया में जो कहीं नहीं चल रहे, चलो ऑफरिंग में डाल देंगे। अरे आप उसको, परमेश्वर आपके दिल को देखता है। कलीसिया किससे चलता है, कलीसिया के खर्चे कैसे चलते हैं? हम तो किसी से मांगते नहीं। आप जाइए और कलीसियों में, आपका दशांश पहले पूछेंगे, आप दशांश दे रहे हैं? हमने आज तक नहीं कहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बात करेगा, मैं क्यों बात करूं? और परमेश्वर मुझे आशीष बहुत दे रहा है। मेरा मकसद वो नहीं है, लेकिन मेरा मकसद है कि आप उसकी आज्ञा को सही समझें और उसको मान दें। आप परमेश्वर को दे रहे हैं, कुछ तो परमेश्वर की इज्जत करिए। हालेलुया। कैन और आबिल में क्या फर्क था? दशांश उसने भी दिया था, उसने भी दिया था, लेकिन उसकी सोच गंदी थी। हाबिल की सोच अच्छी थी। हालेलुया। आप किस सोच से परमेश्वर के पास आए हैं? आप किस उम्मीद से परमेश्वर, आप क्या विचार लेकर परमेश्वर के पास आए हैं? मैं किसके पास जा रहा हूं? प्रभु के पास। मेरा प्रभु जो जिंदा है, मेरा प्रभु जो देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, वो बहरा नहीं है। वो बहरा नहीं है। इसलिए कलीसिया हमें बताता है वो कौन है। कलीसिया बताता है शैतान कौन है। क्यों बताता है? ताकि हम अपने आप को बचा सकें। आज तक हमें पता था शैतान कौन है? नहीं पता था। जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम समझते थे अच्छा ही वही करता है, गंदा भी वही करता है। प्रभु तो क्यों नहीं हमें ये नौकरी दे रहा है, प्रभु तूने क्यों बीमारी दे दी है, हम यही कहते थे। लेकिन आज जानते हैं नहीं, बीमारियां प्रभु की ओर से नहीं आती हैं। हमारा गलत परमेश्वर नहीं सोचता है। प्रेज द लॉर्ड। किसने पता लगाया? कलीसिया ने बताया, वचन ने बताया हमको। इसलिए हम शुद्ध हुए, इसलिए हम जाने, इसलिए हमारा ज्ञान बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपको संवार रहा है, दिन प्रतिदिन वो आपको संवार रहा है। इस दुनिया में अभी तक कोई नहीं है जो सिद्ध बन चुका है। हर आदमी प्रोसेस में है, लेकिन जीतेगा कौन? जो प्रोसेस में होगा। जीत उसी की होगी जो प्रोसेस में होगा। जीत उसी की होगी जो कुम्हार के अंदर होगा, कुम्हार के हाथों के अंदर होगा। आज नहीं तो कल नहीं तो 4 दिन के बाद, 10 साल के बाद मुझे मेरा रूप मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं उन हाथों में हूं जो रूप देना जानते हैं। मेरे भाई आप सही हाथों में हैं, मेरी बहन आप सही हाथों में हैं। आप उन हाथों में हैं जो आपको रूप देना जानते हैं। इसलिए धन्यवाद करिए और समर्पित करिए अपने आप को पूरे मन, तन और धन से। हालेलुया। कलीसिया आपको बताता, कलीसिया की बहुत अहमियत है। इसलिए बाइबल में प्रभु ने क्या कहा है? जहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं वहां आऊंगा। आप नहीं जानते कि उसके लिए गिनती की कोई कीमत नहीं है। वो संख्या पे नहीं चलता है, वो संख्या नहीं मांगता है, वो संख्या लेके जाने वाला भी नहीं है। जाएंगे भी थोड़े ही, जो रह जाएंगे जो चुने हुए होंगे, वो संख्या पे बल नहीं देता है।
उसके लिए इंपॉर्टेंट वो 5,000 नहीं थे जिनको उसने रोटी खिलाई थी, उसके लिए इंपॉर्टेंट वो 12 थे जिसको उसने चुना था। हालेलुया। उसके लिए कीमत संख्या की नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है कि उसके वचनों में कितनी शक्ति है। आप उसके वचन के अनुसार चल के देखिए, देखिए परमेश्वर आपको कहां से कहां लेके जाता है। क्यों परमेश्वर कहता कि आप कलीसिया से बने रहिए? क्यों परमेश्वर कहता कि आप वचन के अनुसार चलिए? मत्ती 12:43-45 के बीच में सुनिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कलीसिया में आप आते हैं, पाप आपके अंदर से निकल जाता है, लेकिन जब कलीसिया से आप जाते हैं और कलीसिया से दूर होते हैं तो क्या होता है? सुनिए, ध्यान से सुनिए, मत्ती 12:43-45 के बीच में। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, कहां पर होते हैं? एक मिनट, अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से कहां से निकलती है? हेलो, मुझसे बात करिए, कलीसिया से। अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से कहां से निकलती है? बोलिए, कलीसिया से। कलीसिया से वचनों के द्वारा, कलीसिया से वचनों के द्वारा अशुद्ध आत्मा मनुष्य के अंदर से निकल जाती है। दोबारा पढ़िए, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हाँ, तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तो हर जगह जाती है, क्योंकि वो आत्मा है, स्पिरिट है, बैड स्पिरिट है। प्रेज द लॉर्ड। हर किसी के शरीर में नहीं जा सकती, वो जो कमजोर होगा वो उसी के शरीर में जाती है, वो जिसमें प्रभु होगा उसमें नहीं जा सकती वो। हालेलुया। परमेश्वर से शैतान ने कहा, अरे तूने अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है, इसलिए मैं छू नहीं सकता हूं उसको, बाड़ा निकाल तो मैं छूंगा। आप नहीं जानते हैं, आपके चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ चल रहे हैं, आपको नहीं पता, दिख नहीं रहे आपको, इसलिए आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आगे बढ़िए। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी। तब वो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से मैं निकली थी, यानी कि जिस शरीर से मैं निकली थी। पाप कौन लेके आता है? अशुद्ध आत्मा। जब अशुद्ध आत्मा आप में से निकल जाती है तो पाप अपने आप निकल जाता है। तो अशुद्ध आत्मा उस पाप को लेकर निकल गई थी और घूम रही है, हर जगह घूम रही है, लेकिन कहीं भी उसे ठिकाना नहीं मिल रहा है। तो वो कहती है कि अब मैं, अब सोच लिए कि कहां जाऊं, क्योंकि उसको शरीर चाहिए, बिना शरीर के वो रह नहीं सकती। पढ़िए, तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, हाँ, और लौट कर उसे सुना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। लेकिन जब वो लौट कर आती है तो देखती है, अरे ये भाई साहब तो तैयार है। आप तो तैयार है, क्योंकि कलीसिया में गए थे आप, वचन सुने, परमेश्वर के वचन ने आपको शुद्ध किया, अशुद्ध आत्मा निकली, आप घर में बैठा है, आपके टीवी देख रहे हैं, सलाट मिलन देख रहे हैं, एक दूसरे का मिलन, इसकी बीवी उसके संग भागी, उसकी बीवी इसके संग भागी, आहाट। अशुद्ध आत्मा आती है, अरे वाह वाह, ये तो संवारा हुआ है, ये तो घर संवरा हुआ है, क्योंकि वचन तो है ही नहीं। हालेलुया। आप तो दूसरी बीवियों को देख रहे हैं। आगे, तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। वो पता है, ये आदमी कलीसिया जाता है लेकिन अभी बैठा हुआ खाली आदमी है, तो क्या सोचती है दुष्यात्मा, चलाक है। वो कहती है, पहले तो मैं अकेली थी वहां पर, इसलिए इन्होंने निकाल दिया, अब मैं अपने दोस्तों को लेके जाऊंगी जो हट्टे खट्टे होंगे, गोलियत की तरह, गोलियत की तरह हट्टे खट्टे, अपने दोस्तों को लेकर जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। अब देखती हूं कैसे निकालेंगी। तो 7 और तगड़ी दुष्ट आत्माओं को लेकर वो आपके अंदर आ जाती है। आप तो बैठे हुए हैं, बुला रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि आपके पास कौन है? पाप है,
दरवाजा कैसे खुलता है आपका? जब आप वचन से हटेंगे, प्रभु से हटेंगे, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके अंदर व्यभिचार आ गया, लालच आ गया, स्वार्थ आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या हुआ? और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। आगे, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। आमेन। जब वो वापस आती है और साथ अपने दोस्तों को लेकर आकर बैठ जाती है, तो उस आदमी की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और वचन क्या कहता है, यीशु क्या कहता है, कि इस पीढ़ी के लोगों की दशा इससे भी बदतर होगी, इससे भी बदतर हो जाएगी। क्योंकि आप उस शुद्धता को नहीं समझ रहे हैं, उसकी कीमत आपको नहीं पता। आपको आसानी से छुटकारा मिल जाता है। आप आए, पास्टर ने कहा यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, निकल गई दुष्टात्मा। आप घर गए, संसार के हो गए, पाप के हो गए। आप समझ ही रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु चाहता है कि सावधानी से कलीसिया आओ, सुनने के लिए समीप जाओ। प्रेज द लॉर्ड। जब आप सुनने के करीब आएंगे, जब वचन आपके अंदर होंगे, जब आप वचनों में मनन करेंगे, तो वचन आपके अंदर काम करेंगे। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज शैतान आपके जीवन में क्यों काम कर रहा है? क्योंकि आप शैतान को सुन रहे हैं। क्योंकि आप प्रभु में नहीं है, आप वचनों में नहीं है। हालेलुया। देखिए, कलीसिया में सिर्फ पाप ही अलग नहीं होते, परमेश्वर आपको संवारता है, अपने योग्य बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो चुने हुए हैं, जो उसके बच्चे हैं, उनको परमेश्वर सामर्थ देता है। Amen. क्या देता है? बोलिए, सामर्थ। सामर्थ। उन बच्चों को क्या देता है? इफिसियों 1:3 निकालिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया। यहां पर पौलुस बोलता है अपने भाइयों को कि आपके पास क्या है, जो आपको मिल चुका है। आप जब कलीसिया में आते हैं, जब पापों से शुद्ध होते हैं, जब पवित्र होते हैं, आपकी आत्मा जिंदा हो जाती है, आपको मन को नया किया जाता है, पवित्र आत्मा, उसकी आत्मा उसमें वास करती है, आपका पत्थर का हृदय निकल जाता है और मांस का हृदय आ जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह का मन आप में आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं जानते आप कौन है, आप नहीं जानते कि यीशु मसीह का मन आप में है, उसकी आत्मा आप में है। वो कहता है कि यीशु मसीह और हमारे पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हेलो, आपके पास सब प्रकार की आशीषें हैं। देने वाला नहीं है, है। हेलो, वो देने वाला नहीं है, आपको वो दे चुका है, आपको वो दे चुका है, वो सामर्थ दे चुका है, वो स्वर्गीय सामर्थ, वो आशीषें आपको दे चुका है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से इस वचन को सुनिए। अभी आत्मिक आशीषें दे दिए। हाँ, आत्मिक आशीषें दी हैं मसीह में, आत्मिक आशीषें, आत्मा में सामर्थ दिया है। देखिए, परमेश्वर के जो वचन है, मन की शुद्धता, जैसे कि ये तीन वचन थे, तीन जो है, पांचवा छठा सातवां पहाड़ी उपदेश, ये आत्मा की प्रबलता के बारे में बात कर रहा है। धन्य वो नहीं है जिनके पास गाड़ियां हैं, धन्य वो नहीं है जो खूबसूरत हैं, धन्य वो है जो मन के शुद्ध हैं। क्योंकि वही परमेश्वर को देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। तो परमेश्वर ने जिनको चुना है उनको आत्मिक सामर्थ से भर दिया है, स्वर्गीय स्थानों पर बैठा दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। लेकिन आपको देखिए, उत्पत्ति 1:28 हम दोबारा देखेंगे जल्दी से, फिर इस वचन पे आएंगे। उत्पत्ति 1:28, जेनेसिस 1:28 में लिखा हुआ है कि किस तरीके से परमेश्वर ने
आदम को अधिकार दिया कि फूलो फलो और धरती पर भर जाओ और धरती को अपने वश में कर लो। प्रेज द लॉर्ड, क्या कर लो? धरती को, हेलो, अपने वश में कर लो, धरती को अपने वश में कर लो। किसको दिया अधिकार? आदम को। वो अधिकार आज किसके पास है? हमारे पास। वो अधिकार किसके पास है? हमारे पास। बोलिए, हमारे पास है। हमारे पास है। वो अधिकार किसके पास है? हमारे पास। अंगीकार करना बहुत जरूरी है। जब आप अंगीकार करते हैं, शैतान निकलता है। आमीन। घर में आप बोलिए, आपको आपको बेचैनी हो रही है, आपको अशांति हो रही है, टेंशन हो रही है, बोलिए यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह ने मुझे चुना है, मैं चुनी हुई हूँ, यीशु मसीह की शांति मेरे साथ है, यीशु मसीह की चंगाई मेरे साथ है। आप ये अंगीकार करिए बोलकर, मन में नहीं, आपके बंधन टूटेंगे, शैतान भागेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको आत्मिक आशीषें दे दी हैं, प्रेज द लॉर्ड। अब उत्पत्ति 1:28 कहता है कि और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ और उसके अपने वश में कर लो, पृथ्वी को अपने वश में कर लो, अपने अधिकार में कर लो। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हम गलती कहां करते हैं? हम पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। नहीं, कलीसिया हमें क्या बताता है? हेलो, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? आप लोग चाहते हैं पृथ्वी पर अधिकार? हाँ या ना? हाँ। आप लोग चाहते हैं वो सामर्थ? आमीन। तो बाइबल कहती है कि पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो, और अभी हमने जाना कि यीशु मसीह के द्वारा वो अधिकार हमें मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। अब हमें उसको यूज कैसे करना है, जानना चाहते हैं यूज कैसे करना है? Yes. यूज करना चाहेंगे? Yes. हाँ के ना? हाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूज कैसे करेंगे? हमें धरती पर, हमें कहां रहना है, हमें कहां बैठाया परमेश्वर ने? स्वर्गीय स्थानों पर। हम नीचे नहीं है, हम धरती पर चल रहे हैं, लेकिन हम कहां बैठे हुए हैं? स्वर्गीय स्थानों में। क्योंकि हमारे पास कौन है? सामर्थ। हमारे पास वचन है। हम शरीर के वचन के अनुसार नहीं, समाज के अनुसार नहीं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया, हेलो। आप कैसे पृथ्वी को अपने वश में करेंगे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अंधेरी में यारी रोड पे रहता था, हमारे पास एक बीन बैग था। बीन बैग समझते हैं आप लोग? उसमें बीन बैग होता ना, जिसमें बैठते हैं, प्रेज द लॉर्ड, बच्चे बैठते हैं उसमें। तो बीन बैग था, उसके जो बीन्स थे वो खत्म हो गए थे, प्रेज द लॉर्ड। वो तो आपका थर्माकोल के गोल गोल होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, वो खत्म हो गए थे, प्रेज द लॉर्ड। तो वाइफ ने कहा कि हमें बीन बैग के वो जो रोल्स हैं मंगाने हैं। हमने मंगाया, ऑर्डर दिया कि 1 किलो बीन बैग के रोल्स लेकर आइए। एक लड़का लेके आया, मुसलमान लड़का था। मेरी आदत है कि जब भी मेरे घर में कोई आता है, मैं उसको सुसमाचार सुनाता हूँ। उसके लिए मैं उसको चाय पिलाता हूँ, बैठाता हूँ, खाना भी खिला देता हूँ कि बैठे, बस मेरे पास बैठे और मैं उसको सुसमाचार सुनाऊँ, प्रेज द लॉर्ड। तो वो भाई आया और वो जब तक काम कर रहा था, मैंने चाय पिलाई और मैंने देखा कि बहुत अशांत है वो। तो मैंने उससे पूछा, उसका नाम था कमरुद्दीन। मैंने कहा, कमरुद्दीन भैया क्या हुआ आपको? कहते, नहीं साहब, मैं, मेरा मन ठीक नहीं है। क्या हुआ? मैंने कहा, क्या हो गया? कहते, साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा बचपन में मेरे पिता चले गए थे और हमने रोड पर, मेरी माँ काम करती थी, ईंट पत्थर उठाती थी, उसने मुझे पाला है और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे नौकरी मिली है जहाँ से मैं बीन बैग लेकर आया हूँ, और वो मुझे महीने का 4,500 रुपये दे रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ कि हमें कोई महीने का 4,500 हम इकट्ठा हमें मिलेगा। तो मैंने कहा, अरे वाह। कहता, लेकिन साहब कोई फ़ायदा नहीं सर, ये संसार के लोग अच्छे नहीं हैं सर। मैंने, क्या हो गया? कहता, 1 महीने से मैं काम कर रहा था, अभी 4 दिन पहले मुझे पगार मिली 4,500 रुपये। मुझे मोबाइल का बहुत शौक़ है, मैं सबके हाथों में मोबाइल देखता था, तो मैं कहता था मेरे पास भी मोबाइल हो, तो मैं साहब 4,500 रुपये का मोबाइल ले आया। मैंने कहा, अरे तो तुम क्या खाओगे? कहता, नहीं वो थोड़ा बहुत मेरी माँ कमाती है और मैं भूखा रह लूँगा सर, लेकिन अगले महीने से ठीक हो जाएगा, लेकिन मोबाइल मेरे पास होगा। तो मेरी अंदर तड़प थी और वो मोबाइल मेरे पास था, लेकिन जहाँ मैं काम करता हूँ एक आदमी मुझसे बहुत नफरत करता है वहाँ पर, और ये सब उसी ने किया है सर। मैंने, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कहता, साहब
कल मेरा मोबाइल खो गया, चोरी हो गया। मैं जैसे ही गाले पर गया दुकान खोलने के लिए, दुकान खोलने की मेरी बारी होती है, जैसे ही मैं दुकान खोल रहा था, चाबी लगा रहा था, मैंने मोबाइल रखा और शटर ऊपर किया और ताला बंद किया तो मोबाइल गायब था। और मुझे पता है सर उसी ने लिया है, लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं उसका नाम लेता हूं मुझे वो नौकरी से निकाल देगा, और मैं क्या करूं सर, मेरा मोबाइल चला गया। मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया। मैंने कहा देखो, अपने मन से उसके लिए जो आपके अंदर दुश्मनी है, जो आपके अंदर नफरत है, वो निकालो। पहले तो अपने अंदर से नफरत निकाल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ये कौन है? बाइबल का जो वचन है ये आपको कहां बैठाता है? स्वर्गीय स्थानों पर। ध्यान सुनिए, अगर आप स्वर्गीय स्थानों में बैठना चाहते हैं, आप समझिए आप कैसे स्वर्गीय स्थानों में बैठ सकते हैं। ये वचन आपको बैठाता है कहां पर? स्वर्गीय स्थानों पर, कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा उसके लिए प्रार्थना करो और उसे माफ करो, परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। उसने घुटने टेके, मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना की कि परमेश्वर दया कर, जिस भाई ने इसका मोबाइल लिया है परमेश्वर, ये भाई उसे माफ करता है, हम उसे माफ करते हैं, आप न्याय करिए, आप उसके दिल में काम करिए। प्रेज द लॉर्ड। हमने प्रार्थना की और खत्म किया। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए स्वर्गीय सामर्थ आपके अंदर क्या काम करता है। एक दिन, दो दिन के बाद उसका फोन आया, खुशी खुशी के साहब। मैंने क्या हुआ कमरुद्दीन? कहता मोबाइल मिल गया सर। कहता मोबाइल मिल गया? मैंने कैसे? कहता साहब वही आदमी जिसने लिया था वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मैंने तेरा मोबाइल चुराया था और मैं 3 दिन से सो नहीं पा रहा हूं, मुझे कोई कह रहा है कि जा उसका मोबाइल दे, जा उसका मोबाइल दे। हालेलुया। तीन दिन से सो नहीं पा रहा हूं मैं, और मैंने कहा ये, और उसने मुझे मोबाइल दिया। मैंने कहा कमरुद्दीन ये किसी को मत बोलना कि उसने तुम्हारा मोबाइल चोरी किया था, उसे माफ करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं ये क्या था? सामर्थ। लेकिन ये कैसे काम हुआ? जब आपने आत्मा में काम किया, जब आप स्वर्गीय स्थानों पर बैठकर जब आपने काम किया, शरीर पर आपने अधिकार, जमीन पर आपने अधिकार कर लिया। आप नहीं जानते आप दुनिया पर अधिकार कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने वो सामर्थ आपको दिया है, उसके हर वचन में शक्ति है, उसके हर वचन में जीवन है, उसका हर वचन सिद्ध है बेटे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं जानते कि हमारे पास पाप करने का, हम मनुष्य का पुत्र पाप क्षमा करने के लिए आया। यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, जब भी किसी घर में जाओ बोलो कि तुम्हारी शांति बनी रहे तुम पे। प्रेज द लॉर्ड। हम किसी के जीवन में शांति ला सकते हैं, हम किसी के पापों को क्षमा कर सकते हैं। आप नहीं जानते कि परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर क्या चाहता है, कलीसिया क्या चाहती है कि आप किस रूप में बने। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 10:4-5, कलीसिया क्या चाहती है कि आपको किस तरीके से अपने जीवन को गुजारना है ताकि अशुद्धता आपके अंदर ना आए। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 10:3-3, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं। देखिए आप शरीर में चलते फिरते हैं, हम कौन है? मसीह है। हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? मसीह वही है जो आत्मा में जिंदा है। मसीह वही है जो आत्मा में चलता फिरता है। अपनी आत्मा के द्वारा जब आप काम करेंगे तभी होगा। हालेलुया। कलीसिया देखिए हमें कहां से कहां पहुंचाना चाहती है, परमेश्वर का जो आत्मिक सामर्थ है वो हमें कैसे स्वर्गीय स्थानों पर स्थिर करता और विजय करता है। हालेलुया। विजय दिलवाता है। पढ़िए। यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हम मसीह हैं। चौथा, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है परंतु घड़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। हमारे पास जो सामर्थ्य है वो ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है।
हमारे पास जो हथियार है, हमारे पास जो ताकत है, वो ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। हालेलुया। आप नहीं जानते कि आप कौन है। आप आदेश देंगे वो काम होगा, आप शैतान को आदेश देंगे वो निकलेगा, आप बीमारी को आदेश देंगे वो निकलेगी, आप पाप को आदेश देंगे पाप निकलेगा। ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है आप, लेकिन वो कब होगा मेरी बहन? जब आप आत्मिक अवस्था में स्वर्गीय स्थानों में रहते हुए इसका उपयोग करेंगे। हालेलुया। हमारे पास जो हथियार है वो गढ़ों को ढा देने के लिए है। शैतान क्या बनाता है? आपको ध्वस्त करने के लिए गढ़ बनाता है, उसकी योजना है। आप ये मत बोलिए कि शैतान अभी चुप है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं गढ़ बना रहा है। यस, आपसे ज्यादा शैतान आपको जानता है, आपकी कमजोरी को शैतान आपसे ज्यादा जानता है, इसलिए वो गढ़ बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपके पास जो हथियार है वो स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है, क्योंकि वो अधिकार शैतान के गढ़ों को ध्वस्त कर देते हैं। हालेलुया। इसकी पहचान हमें होनी चाहिए और कलीसिया इसकी पहचान करवाता है, इसलिए कलीसिया आना बहुत जरूरी है, कलीसिया के संग बने रहना बहुत जरूरी है। प्रेरितों का काम 1:11 में जैसे यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुए, उठा लिए गए, वहां उसके चेले खड़े हुए थे और जाते हुए उन्होंने क्या कहा? प्रेज़ द लॉर्ड। 1:11 पढ़ो जल्दी से। प्रेरितों का काम 1:11 जल्दी से पढ़िए। क्या चाहता है, कैसे जीवन जीना चाहता है परमेश्वर? अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ये कहता है, यहाँ का माहौल ये कहता है इस समय कि जैसे ही यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे वैसे ही स्वर्ग दूत नीचे उतरे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने जाते हुए कहा कि तुम जाओ और जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए इंतजार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो आप देखिएगा कि वो इस पर्वत से घर पर नहीं गए, परमेश्वर के आदेश को लेकर घर पे नहीं गए, उस ऊपरी कोठरी में गए जहां पर प्रार्थना हो रही थी, जहां मरियम थी, मरियम मगदलीनी थी, प्रार्थना था, सलोमी थी, 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में थे। कलीसिया का मतलब आपके पास वो हथियार है जो प्रार्थना है। कलीसिया में आने से पहले प्रार्थना करिए मेरे भाई, घर जाने के बाद घुटने टेक के प्रार्थना करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। जहां आप करेंगे लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे। आपका बॉस आपको निकालने से डरेगा। क्या था यूसुफ के साथ? परमेश्वर। पोतीपर ने सब कुछ उसे दे दिया, इसके संग परमेश्वर। जिस दिन हम आप आत्मा में जिंदगी देंगे, जिस दिन आप प्रार्थना में अपने जीवन को गुजारेंगे, अद्भुत परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में रहे, वो संगति में रहे, प्रार्थना में रहे, वचनों में रहे, बने हुए थे। उन्होंने ये नहीं कहा देखो 3.5 साल हो गए यार यीशु मसीह के संग घूमते घूमते, अब यार थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, यार थोड़ा सा 3-4 दिन का, यार चलो पत्नी को लेते हैं लोनावाला जाते हैं घूमने के लिए। नहीं, प्रार्थना में थे, प्रार्थना में बने हुए थे, तब वो सामर्थ आपके जीवन में काम कर रहा था उनका। पांचवा पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 10:5। हालेलुया। पांचवा कहता है कि हम देखिए,
क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार, चौथा लिखता है, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरी सामर्थ्य से परिपूर्ण है। हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं। आपके पास वो अधिकार है। अगर आपके पास कोई विचार आता है, अगर आपके पास कोई गलत भावना आती है, अगर शैतान कोई गलत चीज आपके अंदर डालता है, तो आपके पास वो अधिकार है कि आप उस विचार का खंडन कर सके। नो, ये विचार नहीं चाहिए मुझे, ये गलत विचार मुझे नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो शुद्धता जो आपके अंदर है, भाई कलीसिया यही सिखाती है, आप खंडन करेंगे उस विचार का खंडन हो जाएगा, वो विचार चला जाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के उस परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाली हर कल्पना का हम खंडन करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर वो विचार जो आपके अंदर आता है, जो आपको दूषित करता है, जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, उस विचार को बोलिए, विचार नो, यीशु मसीह का मैं तुझे बंदी बनाता हूं, निकल, मुझे नहीं चाहिए। लालच का विचार आएगा, लालच को निकालिए। झूठ बोलने का विचार आएगा, उसको निकालिए, बंदी बनाइए। धोखा देने का विचार आएगा, उसे बंदी बनाइए। व्यभिचार का विचार आएगा, उसे बंदी बनाइए। नो, क्यों? क्योंकि कलीसिया में आप जान चुके हैं कि यही विचार आपको अशुद्ध करते हैं। कलीसिया बताती है कि आपको कौन सा विचार अशुद्ध करता है। और मेरे भाई, जिस दिन आप अपनी शुद्धता के लिए तत्पर रहेंगे, जिस दिन आप अपनी शुद्धता को संभालने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि मैं अपनी शुद्धता को संभाल कर इस धरती पर रहूं, मैं सच कह रहा हूं, प्रभु का सामर्थ आपके साथ हमेशा चलेगा। यहोशू के पास क्या था? वो सामर्थ जो परमेश्वर ने उसको दिया, वो सामर्थ हमारे पास है। यहोशू ने सूरज को रोक दिया, चांद को आज्ञा दी, वो सामर्थ था उसके पास। यूहन्ना 14:12 क्या कहता यीशु मसीह? कि मेरे चेले मुझसे भी ज्यादा बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया, पढ़िए यूहन्ना 14:12 जो कलीसिया में है, जो उसके बच्चे हैं, क्या कहता है उनके लिए? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बोलिए, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। आमीन। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ, यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ कोई भी बात झूठ नहीं है, कोई भी बात झूठ नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से? अगर तुम मेरे वचनों पर चलोगे, अगर तुम मेरी आज्ञा पे चलोगे, तो जो मैंने काम किए तुम उससे बड़े करोगे। और प्रेरितों के काम हमें बताता है, 5 प्रेरितों के काम 5:14-16 के बीच में अगर आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि प्रेरितों के कितने बड़े काम किए यीशु से ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड, पढ़िए, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा है, अगर तुम मेरे वचनों पे चलोगे और मेरे अनुसार चलोगे, मेरी आज्ञाओं पे चलोगे, तो जो मैंने किया है उससे बड़े काम करोगे। प्रेज द लॉर्ड। उस वचनों को समझना, आप जानिए कि आप कौन है, परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है। प्रेरितों के काम 5:14 विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। आमीन। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए और उसकी छाया ही उसमें से किसी पर पड़ जाए। लोग दूर दूर से आकर खाट पर बीमारों को बिठा देते थे कि यहाँ से पतरस जाएगा, उसकी छाया पड़ेगी और लोग चंगे हो जाएंगे। क्या यीशु मसीह के संग ऐसा हुआ? यीशु मसीह की छाया से कोई चंगा हुआ? यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया? पतरस ने भी किया, पौलुस ने भी किया, किया कि नहीं किया? हालेलुया।
यीशु मसीह कहता है कि तुम अगर मेरे अनुसार चलोगे, मेरी आज्ञा पे चलोगे, वचनों में बने रहोगे, कलीसिया के साथ बने रहोगे, मेरी देह के संग बने रहोगे, तो तुम मुझसे भी ज्यादा बड़े काम करोगे। हम सिर्फ निश्चिंत हैं कि मुझे बस 15,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, बस मेरा घर का किराया निकल जाए और राशन पानी आ जाए, मेरे बच्चे की फीस निकल जाए, बस यार बस हो गया। हम लोग उसी में संतुष्ट हैं। हालेलुया। प्रभु कहाँ चाहता है ऐसा प्रभु आपको मिलेगा? मैं तो इस वचन को सोच के ऐसा प्रभु मिलेगा जो कहता है कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे, और किए लोगों ने, और बड़ा काम क्या था जो यीशु मसीह ने नहीं किया? पिंतेकोस्त के दिन Acts 2:41 जब पत्रस ने सुसमाचार सुनाया तो 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। 3,000 लोग आए प्रभु के चरणों में। पूरे 3.5 साल तक यीशु मसीह ने 3,000 लोगों को नहीं, पूरे 3.5 साल के उनकी जो सेविकाई थी उसमें 3,000 लोग नहीं आए थे। पत्रस ने एक बार सुनाया Acts 2 और 3,000 लोग आए। चिन्ह से ज्यादा, चंगाई से ज्यादा, मुर्दों के जिंदा होने से ज्यादा सबसे बड़ा यह काम है कि हम आत्माओं को जीते। इस बड़े काम की बात कर रहा है परमेश्वर यीशु। तुम उससे ज्यादा बड़े काम करोगे, दुनिया में फैलोगे, 1,000,000,000,000 लोगों को तुम अपना चेला बनाओगे, अपना शिष्य बनाओगे। इससे बड़ा काम कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप उस भाई को धन्यवाद दीजिए, उस बहन को धन्यवाद दीजिए जिसने पहली बार आपको सुसमाचार सुनाया था। जब आपका मन बदला, आप नहीं जानते ब्रदर आपने यीशु को पाकर क्या पाया है, आप उसकी कीमत को नहीं समझ रहे हैं। जब वो आएगा और जब हम सब उसके साथ जाएंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई रहे, मेरी कलीसिया का कोई भाई बहन रहे, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह सबसे बड़ा काम सुसमाचार सुनाना। दिल पे हाथ रखिए कि आप कर रहे हैं। कैसे आपके जीवन में बड़ा काम होगा क्योंकि आप घर से निकल ही नहीं रहे, आप चर्च में ही रहना चाहते हैं बस। इन्होंने किए थे, पत्रस ने, यूहन्ना ने, पौलुस ने किए थे। उसने यीशु मसीह के लिए संसार छोड़ दिया, इसलिए यीशु मसीह ने उनके द्वारा बड़े काम किए। चेला बनना आसान नहीं है, आसान नहीं प्रभु के वचन पे चलना, नहीं। ये परमेश्वर का बहुत धन्यवाद मेरे भाई कि हमें परमेश्वर का वचन समझ में आ रहा है। प्रार्थना करिए कि इस अंतिम समय में उस वचन के अनुसार हम जीवन को चलाएं। प्रार्थना में रहिए, हम भटके नहीं, हमसे कोई गलती ना हो, हम कहीं संसार के पीछे ना पड़े कि हम यीशु मसीह के से दूर हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। Mark 16:17 जब आप विश्वासी बनते हैं, जब आप विश्वास करते हैं, जब उसके चेले बनते हैं, जब उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, कौन कौन से अधिकार आपके पास होंगे? सुनिए, देखिए, ये 5 चीजें, ये 5 सामर्थ आपके जीवन में काम करेंगे। कलीसिया यही नहीं है, कलीसिया आपको क्या देता है सोचिए। ये 5 सामर्थ आपके जीवन में काम करेंगे। Mark 16:17 विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे,
नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। Praise the Lord. वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, 17 विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। आप प्रेरितों के काम को पढ़िए, कितनी दुष्ट आत्माओं को उनके चेलों ने निकाला है। हालेलुया। Praise the Lord. दूसरा क्या है आगे? वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। एक्स 2:4 ऊपरी कोठरी में पिंतेकोस्त के दिन क्या आया था, क्या उतरा था ऊपर से? पवित्र आत्मा। क्या बोली थी उन्होंने? नई नई भाषा। किसके नाम से? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था। आपको नई भाषा क्यों नहीं आ रही है? आपका विश्वास कमजोर है। परमेश्वर अपनी भाषा देना चाहता है। बताऊं क्यों? क्योंकि उसने अपनी आत्मा आपके अंदर दी है। हेलो, आपको पता है आपकी आत्मा, ये नई भाषा किसकी है? नई भाषा किसकी है? ये पवित्र आत्मा की, जो आपके अंदर है। अगर आपके अंदर वो आत्मा तो है लेकिन उसकी भाषा नहीं है, तो इसका मतलब आपके अंदर जो आत्मा है वो गूंगी है, वो बात ही नहीं कर सकती। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियन 14:2 क्या कहता है कि आत्मा में जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो कौन सुनता है? भेद की बातें, परमेश्वर से हम बात करते डायरेक्टली, हमें नहीं पता वो क्या बात हो रही है, लेकिन कौन जाता है? आत्मा और परमेश्वर। आत्मा और हो रही है आपकी बात, लेकिन आप नहीं जानते हैं क्या हो रहा है। इसलिए अन्य भाषा की बहुत कीमत है, बहुत जरूरी है अन्य भाषा का आना, लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। आप इंग्लिश सीखने के लिए जा रहे हैं, स्पेनिश सीख रहे हैं, मराठी है, बॉम्बे में रहना मराठी सीख लूं। अरे अन्य भाषा की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जो प्यार करते हैं जो यीशु मसीह पर, वो नई नई अन्य भाषा बोलेंगे। यदि वे नाशक, यदि वो सांपों को उठा लेंगे तो भी वो, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम 28:1-6, मैं आपको दिखाता हूं कि परमेश्वर के बच्चे ने कैसे सांप को उठाया था, उसको डसा था, उसको कुछ नहीं हुआ। उसका नाम है पौलुस। प्रेरितों का काम 28:1-6, हालेलुया, जल्दी पढ़िए। 1-6 जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर डाला, परंतु जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा करके आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक सांप आंच पाकर, आग की गर्मी पाकर निकल आया और उसके हाथ से लिपट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके हाथ से? पौलुस के। वो कौन था? यीशु मसीह का भक्त था। हालेलुया। उसको आशीष था कि कोई सांप भी काटेगा तो उसे असर नहीं होगा। वो पौलुस, उसके हाथों में सांप लपट गया। आगे, जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवन जीवित रहने न दिया। तब उसने जंतु को आग में झटक दिया। किसने झटक दिया? पौलुस ने। तब और उसे कोई हानि नहीं हुई। हाँ। उसे कोई हानि नहीं हुई। छटा, परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूज गया या एकाएक गिरने के मर जाएगा। आमीन। परंतु एक मिनट, वे तो ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह सूज जाएगा। क्या सूज जाएगा? उसका हाथ सूज जाएगा, कोई अंग सूज जाएगा और वो मर जाएगा, क्योंकि उन्होंने देखा था उस सांप को पौलुस के अंग पर काटते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो देख रहे थे कि ये मरेगा, अब
मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा, क्योंकि सांप का काटा उसके अंदर विष है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। हालेलुया। आप नहीं जानते आप धरती पर कौन है। आप उस स्वर्गीय स्थानों में बैठकर इस धरती पर चलिए। आप धरती पर धरती के इंसान बन के न चलिए, आप धरती पर स्वर्गीय स्थानों में बैठ के चलिए, तब आप देखिए आप अपना जीवन। उसके लिए आपको उस ऊंचे स्थान पर बैठना पड़ेगा। कोई आपके मुंह पे थूकेगा तो आपको माफ करना पड़ेगा, आपको दीन बनना पड़ेगा, तब आप ऊपर उठाए जाएंगे, तब आप ऊंचे स्थान पर बैठेंगे। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें आपको चुभेंगी नहीं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये क्या वो कहा, नहीं नहीं, आप इन सबसे ऊपर हो जाएंगे। पौलुस के हाथ में सांप था, इन्होंने देखा क्योंकि सूजा तो नहीं है, यानी कि इनको लगा कि उसने काटा, इन्होंने देखा होगा काटा है। साधु सुंदर सिंह का नाम सुना आपने? साधु सुंदर सिंह नाम सुना है? उसकी जीवनी पढ़ी आपने? उसकी भाभी जिससे वो प्यार करता था, वो भूखा था साधु सुंदर सिंह, और भाभी ने चुपके से बुलाया दरवाजे, आजा बेटा तू कितने दिनों से भूखा है, मैं तेरी भाभी हूं, आजा कुछ खा ले खा ले खा ले। उसने कहा मेरी भाभी बुला रही है, भूख है। सब उसके माँ बाप ने सबको उसको धिक्कार दिया, समाज ने धिक्कार दिया, क्योंकि वो यीशु मसीह को मानता था। उसकी भाभी ने बुलाया, प्रेज द लॉर्ड। और उसे क्या पता था कि उसकी भाभी ने उस खाने में जहर मिलाया हुआ था। वो परिवार ने भाभी को किया, नहीं तुझे मारना इसको। उस भाभी के द्वारा विष पिलाया गया साधु सुंदर सिंह को, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में विष कुछ काम नहीं करता है। Amen, amen. कोई काम नहीं करता विष। कोई शैतान कोई काम नहीं कर सकता आपके जीवन में। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए मेरे भाई। अगर आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, इसका मतलब आपका विश्वास कमजोर है, इसका मतलब आप परमेश्वर से ज्यादा शैतान को है प्यार करते हैं। नहीं, आप अपने आप को स्वर्गीय स्थानों में लेकर चलिए, शैतान आपके पैरों तले होगा होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास सामर्थ है। यीशु मसीह के पास क्या था? सामर्थ था। महायाजक खड़े हुए थे, सैनिक खड़े हुए थे जब यीशु मसीह क्रूस पर था, और महायाजक बोलता, अरे तीन दिन में मंदिर को बनाकर ढाकर बनाने वाले उतर। तो सैनिक जिसने मुंह पे थूका था वो भी हंस रहा था, लेकिन यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में था, वह आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ था। उसने आत्मा में बात की, उसने जमीन पर अधिकार आत्मा के द्वारा रखा। हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कह रहे हैं। जैसे ही ये वचन, ये हथियार, ये उन्होंने सुना, सब हिल गए। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये आम इंसान नहीं है, कि धरती का नहीं है, क्योंकि धरती की बातें नहीं कर रहा है, ये स्वर्ग की बातें कर रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, जिस दिन धरती पर रहते हुए आप स्वर्ग की बातें करेंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा। आपको स्वर्ग की बातें करनी है धरती पर, और इसीलिए हम चुने गए हैं, और इसलिए आपको घर से बाहर निकलना है। अब वो समय आ गया, घर में ठुपकना नहीं है। अपने शरीर के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी मां के लिए, अपने बच्चे के लिए, कभी ये बीमार कभी वो बीमार ना निकलो। परमेश्वर के वचन के साथ निकलो, क्योंकि जो विश्वास करेंगे
वही आशीष पाएंगे, उन्हीं के जीवन में प्रभु काम करेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। मत डरिए मेरे भाई, कोई बंधन आपके काम नहीं कर सकता है, कोई बंधन आपको बैठा नहीं सकता है। परमेश्वर के लिए खड़े रहिए, देखिए हर बंधन से ऊपर उठाकर आपको विजय कर देगा परमेश्वर, हर बंधन से। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया आना जरूरी है। कलीसिया हमारे पापों को हमसे निकालता है, और कलीसिया हमारे अंदर हमारा सामर्थ्य हमें भरता है, हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए कलीसिया में बने रहना जरूरी है, संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।